कांग्रेस के कर्ज माफी का जवाब देने के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए पेंशन की बात की थी। मोदी कैबिनेट में पहली ही बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई है। साथ ही किसान सम्मान योजना में भी बदलाव किए गए हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐलान करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि में बदलाव किए गए हैं। पहले इस योजना का लाभ 12 करोड़ किसानों को मिलता था। नियम में किए गए बदलाव के बाद आपको बता दें 14.5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत किसानों को साल में 3 बार कुल 6,000 रुपये सीधे खाते में मिलेंगे और किसान सम्मान योजना निधि योजना पर भी 87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब तक किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता था जिसके पास 2 हेक्टर यानी 5 एकड़ तक की जमीन है, लेकिन सरकार ने इस फाउंडेशन को खत्म कर दिया है। अब सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी उम्र अभी 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है। उन्हें इस पेंशन योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, साथ ही उन्हें एक नॉमिनल चार्ज भी देना होगा। अगर किसी किसान की उम्र 18 साल है तो उसे 55 रुपये हर महीने देना होगा। साथ ही इतनी राशि उनके पेंशन फंड में सरकार भी जमा करेगी। इस योजना पर कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।